जाते हैं अंदर तालाब के अंदर और डुबकी लगाते हैं और वहां से निकलता है नाग सांप। और देखिए एक बार में देखिए सांप को निकाल लिए बाबा, ये रहे देख सकते हैं आप लोग, सामने से आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। अभी जो नाग सांप को निकाला गया उसी को अभी दिखाया जा रहा है, देखिए ये रहे। और ये रहा दोस्तों फाइनली निकल चुका है, देख सकते हैं जो सांप को अभी खराब से निकाला गया। तो यहाँ से बाबा जी उतरने वाले हैं और देखिए उस पे रखा हुआ है नाग सांप को। यहाँ पे माँ मनसा माता का देखिए एक मूर्ति रखा हुआ है और इसी के अंदर पे बाबा अभी रखने वाले हैं बारी को। ने देखा जो तालाब से उठाया गया नाग सांप को अभी यहाँ पे रखा गया है। और देखिए ये रहा यहाँ का माँ मनसा माता का, आप लोग मंदिर को देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। से ये जो त्योहार हो रहा है ये कब से हो रहा है? लगभग 30 साल से। 30 साल से? और 30 साल से बाबा जी ही करते हैं या कोई और करते आ रहे थे? सब बाबा जी ही करते हैं। 30 साल से रेगुलर कर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। और दोस्तों अभी मैं हूँ बोकारो सिजवा सतनपुर पे, जो कि राधा गांव के बगल में एक गांव है। यहाँ पे आज हो रहा है माँ मनसा माता का पूजा, जो कि बाबा अपने घर से ढोल नगाड़ों के साथ जाते हैं एक तालाब में और उस तालाब में जैसे ही डुबकी लगाते हैं वहां से उठाते हैं नाग सांप को, जो कि काफ़ी अद्भुत नज़ारा होने वाला है आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे यदि आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का वीडियो मिलता रहे। और दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए बंगाल से और झारखंड के बहुत सारे कोने कोने से लोग देखने के लिए आते हैं। तो चलिए आप लोगों को सारा चीज़ मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे होता है। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी यहाँ पे देखने आना चाहते हैं वो यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए अभी ढोल नगाड़ों का आवाज़ आप लोगों को सुनाई देता होगा। फाइनली देखिए बाबा जी अभी पहुंच चुके हैं तालाब के सामने में और ये रहे घोड़ सवारी करते हुए बाबा जी। तो फाइनली देखिए अभी ढोल ताशों के साथ बाबा जी अभी पहुंच चुके हैं जिस तालाब से वो नाग सांप को उठाते हैं और ये रहा सामने में उसी जगह पे होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि क्राउड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है फिर हम लोग वीडियो को शूट भी नहीं कर पाएंगे। तो जाके हम लोग रहेंगे और सारा चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से बाबा जी उठाने वाले हैं। तो चलिए और फाइनली अभी बाबा जी पहुंच चुके हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से होने वाला है यहाँ पे। Thank you.
बाकी देखिए अभी बाबा जी अभी जा रहे हैं और आप लोगों ने देखा वो घोड़ सवार करते हुए आए और देखिए किस तरह से नाग सांप को निकालेंगे। और आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा जय मां मनसा। और हम लोगों का यहाँ पे झारखंड में काफ़ी अच्छे तरीके से मनसा माता का पूजा किया जाता है और बंगाल में भी काफ़ी फेमस है। बाकी ये रहा नज़ारा पूरे तालाब का। और देखिए एक बार में देखिए सांप को निकाल लिए बाबा, ये रहे देख सकते हैं आप लोग, सामने से आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये रहे देख सकते हैं फाइनल निकल चुका है, एक ही बार में निकल गया है। पिछले साल का यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, पिछले बार 2 से 3 बार डुबकी लगाए थे तब निकला था और इस बार फाइनली एक डुबकी में बाबा निकाल लिए हैं नाग सांप को। देखिए ये रहा और ऊपर में काफ़ी गजब का भीड़ है। जय मां मनसा। और देखिए ये रहा नज़ारा। फाइनली अभी बाबा जी उस साइड जा चुके हैं तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को मैं सामने से दिखाता हूं और उनका अभी घर भी हम लोग जाने वाले हैं जिस जगह पे वो रखने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं हम लोग। अभी जो नाग सांप को निकाला गया उसी को अभी दिखाया जा रहा है। देखिए ये रहे भाई और ये रहा दोस्तों फाइनली निकल चुका है, देख सकते हैं जो सांप को अभी खराब से निकाला गया। साक्षात दर्शन कर सकते हैं माँ मनसा माता का, आप लोग साक्षात दर्शन कर सकते हैं, इसी के अंदर पे है और देखिए दिख रहा है। आप लोग माँ मनसा माता का दर्शन कर सकते हैं और काफी गजब का अभी का दृश्य है, देख सकते हैं आप लोग। Come on, 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 come on
यहाँ से बाबा जी उतरने वाले हैं और देखिए उस पे रखा हुआ है नाग सांप को, और यहाँ से पैदल अभी चलने वाले हैं। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से अभी चलेंगे बाबा जी। और देखिए दोस्तों नाग सांप को सबको दर्शन करवाते हुए जा रहे हैं लेके, और ये साक्षात माँ मनसा माता का रूप है। और माँ मनसा माता का देखिए एक मूर्ति रखा हुआ है, और इसी के अंदर पे बाबा अभी रखने वाले हैं बारी को। और देखिए बाबा फाइनली यहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं, और इसी घर पे अभी प्रवेश करने वाले हैं बाबा जी। और दोस्तों यही जो मंदिर है जिसपे अभी बाबा जी आने वाले हैं, और यहीं पे अभी घुसने वाले हैं। देखिए ये रहा नज़ारा, पिछले साल मैं आप लोगों को दिखाया था। और देखिए माँ मनसा माता का यहाँ पे एक मूर्ति भी है, बाकी देख सकते हैं फाइनली अभी बाबा जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। Okay,
ने देखा जो तालाब से उठाया गया नाग सांप को अभी यहाँ पे रखा गया है। और देखिए ये रहा यहाँ का माँ मनसा माता का, आप लोग मंदिर को देख सकते हैं कुछ इस तरह से है अभी का। और चारों तरफ यहाँ पे गणेश जी का, यहाँ पे काली माता का, यहाँ पे देखिए प्रतिमा हुआ, चारों तरफ का नज़ारा। और ये रहा। और दोस्तों अभी बाबा जी से थोड़ा डिटेल हम लोग लेंगे कि यहाँ पे कब से ये जो त्योहार हो रहा है, ये कब से हो रहा है? लगभग 30 साल से। 30 साल से। और 30 साल से बाबा जी ही करते हैं या कोई और करते आ रहे थे? सब बाबा जी ही करते हैं। 30 साल से रेगुलर कर रहे हैं। और अभी जो आप लोग जैसे नाग सांप को अभी उठाएं आप लोग, तो इसको अभी आप लोग कहाँ छोड़ने वाले हैं, क्या कुछ होगा? जितने भी भक्त देख मतलब देख रहे हैं वीडियो को, उन लोग भी उत्सुक रहते हैं कि आप जो नाग सांप को तालाब से उठा के लाएं, उनको आप कहाँ पे छोड़िएगा, क्या कुछ होगा, थोड़ा डिटेल आप बता दें। ये नाग दादा देवी माँ का साक्षात रूप है। जी जी, देवी माँ का अभी पूजा होगा रात भर जी, और सुबह जो है देवी माँ अपने चल जाएंगे। अच्छा, यहाँ से अपने आप चल जाते हैं। और आप ये बताइए कि यहाँ पे पूजा कब होता है? आज ही होता है इनका? हाँ, आज ही होगा, अभी कुछ देर के बाद होगा। आज उपवास है यहाँ पे। हाँ, हाँ, और कल होगा पारना। हाँ। तो दोस्तों ये था कुछ अभी डिटेल, बाकी अभी बाबा जी जहाँ पे प्रसाद बट रहे हैं वहाँ पे गए हुए हैं। और ये रहा चारों तरफ का आप लोग नज़ारा देख सकते हैं। तो यहाँ पे हो रहा है प्रसाद का वितरण, जितने भी भक्त आते हैं यहाँ से प्रसाद लेते हैं। बाकी देखिए प्रसाद लेने भी आए थे ना, प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। हम लोग भी लेते हैं प्रसाद, जो भी यहाँ पे आते हैं उन लोग लेके ही जाते हैं। और यहाँ पे प्रसाद देखिए वितरण हो रहा है। WKD ब्लॉग देखिए, ये रहा प्रसाद, हम लोगों को मिल चुका है। और यहाँ पे जितने भी भक्त हैं देखिए सबको फिर यहाँ पे वितरण किया जा रहा है।